दर्शकों, त्रिवेणी घाट पे हम पधार चुके हैं। त्रिवेणी घाट पे जो शाम की गंगा आरती होती है आपकी, वो सनसेट के बाद होती है, तो उसका समय लगभग 6:30-7 बजे के बीच में होता है। जैसे सनसेट होता है उसके बाद वो आरती शुरू हो जाती है। तो अगर आपको जब भी जाना है तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में, आप कोई भी आरती अटेंड कर सकते हैं। इवनिंग में काफ़ी रश होता है और आप लगभग आधे पौने घंटे पहले आइए, तसल्ली से यहाँ पे बैठिए। पोल पूरा वो घाट बना हुआ है, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो वहाँ पे बैठ के आप अपना आरती लाइव देख सकते हैं। अदरवाइज़ बाद में सारा ऑक्यूपाइड हो जाता है तो आपको साइड से देखनी पड़ती है। तो आरती शुरू होने से पहले जो पूजा करने वाले पुजारी होते हैं, जो आरती करते हैं, उनसे आप अपनी पर्सनलाइज आरती अपने पूर्वजों के लिए, अपने बुज़ुर्गों की याद में पूजा अर्चना भी करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखिए किस तरह से सारा एरिया ऑक्यूपाइड है, तो इस तरह का माहौल हो जाता है। आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, बट आरती देखने का जो आनंद है वो अद्भुत है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो ये 2 दिन की मेरी ऋषिकेश की जर्नी अमेजिंग रही। हिच हाइकिंग करी मैंने दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश ऑटो से, और एक दिन में जितना एक्सप्लोर कर सकता था पूरी कोशिश करी एक्सप्लोर करने की। स्कूटी लेके नीलकंठ टेंपल, शिवपुरी, नीर वाटरफॉल और शाम की गंगा आरती त्रिवेणी घाट पे। बट लगभग यहाँ से 3.5 किलोमीटर उस तरफ टुवर्ड्स मेन ऋषिकेश जो है, तो यहाँ से 3.5 किलोमीटर पड़ता है त्रिवेणी घाट। तो वहाँ पे प्रॉपर 11 लोग होते हैं, 11 लाइन से 11 पुजारी, पांडा जो भी कहते हैं उनको, जो होते हैं वो गंगा आरती करते हैं। आधे घंटे का होता है पूरा। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। पूरी आरती मैंने रिकॉर्ड करी, वो सब आप सबके साथ शेयर कर दूँगा मैं। और मॉर्निंग में भी वहाँ पे गंगा आरती होती है। आज सुबह जब अमेजिंग था, ये अच्छा एक्सपीरियंस था। कल शाम को मैं 6 बजे आया था और आज शाम को 6 बजे तक मैंने काफ़ी सारा कवर किया, बट इतना भी एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत बढ़िया था। बाकी कभी जब आगे फ्यूचर में कभी थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर आऊँगा मैं किसी के साथ में, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ या ग्रुप वगैरह के साथ, तब मैं ये बाकी सब चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहूँगा और डेफिनेटली करूँगा मैं एक्सप्लोर। जो बंजी जंपिंग थी, राफ्टिंग थी, राफ्टिंग मैंने मनाली में की हुई है, ऋषिकेश वाली राफ्टिंग मैंने कभी ट्राई नहीं की है, तो वो भी ट्राई करना चाहूँगा मैं। फ़िलहाल के लिए रैप करते हैं। अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। आप लोगों को थकावट तो होती है, बट जो जगहें देखने का और उन सब चीज़ों का जो एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा होता है। वो आपको ना बैठने नहीं देता है, रुकने नहीं देता है, तो वो अच्छा रहा, काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। लोग मिले आते हुए, देखा, नई नई चीज़ें देखी, तो अच्छा था एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो और भी डेस्टिनेशंस ऐसी कवर करूँगा मैं कम बजट में, मिनिमम बजट में। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा एकदम ही कम था, मीडियम था, बट यस ये कह सकते हैं कि आप अच्छे कम बजट में आप कर सकते हैं ट्रैवल। अगर कम से कम नहीं कर सकते तो कम से कम मैं आप सबके लिए तो रिकॉर्ड करके वो सब चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ कि कितने अद्भुत शहर हैं इंडिया में, भारत में। लोग बाहर जाना चाहते हैं घूमने फिरने के लिए, बट मैं भी एक बार गया हूँ, बट पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस मुझे इंडिया को एक्सप्लोर करने का बहुत है। बहुत अद्भुत लैंडस्केप, इतना प्यारा है लैंडस्केप, देखिए आप, मतलब पानी है, ज़मीन है, पहाड़ हैं, ग्रीनरी है, तो और लैंडस्केप में रोड्स हो गए आपके, वो सब चीज़ें देख के बड़ा
अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है उसको सबको देखने में, बहुत मज़ा आता है, वो एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ें होती हैं। तो कुछ चीज़ें, अब जैसे आज शाम की गंगा आरती थी, उसमें कुछ बताने वाला कुछ खास था नहीं, क्योंकि वो देखने का और एक्सपीरियंस करने का था। तो वहाँ पे वो इतना म्यूज़िक भी था और वो देख रहा था, मैं रिकॉर्ड कर रहा था, वो आप सबके साथ मैं शेयर कर दूँगा, मतलब देखिएगा। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो देख के ही एक्सपीरियंस होती हैं, उसमें कुछ बोलने की और कमेंट्री करने की समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही ऋषिकेश से, और जल्द ही कोई और नई डेस्टिनेशन लेके आऊँगा मैं, उसको एक्सप्लोर करके आप सबके साथ शेयर करूँगा विद इन अ बजट, लिमिटेड बजट, बेस्ट एक्सपीरियंसेस कैसे लिए जाएँ। बाकी तो आप सब समझदार हैं, आप सब लोगों को सब पता है। चलिए करते हैं इसको ख़त्म, करते हैं इसको रैप, और फिर जल्दी ही मिलता हूँ आपको किसी नई डेस्टिनेशन के साथ। अगर मेरी सब अगर मेरा आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए, कमेंट्स बहुत वैल्यूबल हैं, अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी है दीजिए।